नमस्कार, मैं काजल द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। ब्रेकिंग न्यूज भोपाल। कोरोना की महामारी के चलते भोपाल को अलग अलग जगहों में बांट दिया गया है। नमस्कार, इसकी वजह से पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी और जैसा पड़ रही कि आप सभी जानते हैं इस बारे इस समय लॉकडाउन टू का जो माहौल चल रहा है उसको लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे पर तैनात पुलिस के जवानों से बात की। नमस्कार, मैं केकेआर न्यूज से रिपोर्टर आदिल खान और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन टू का जो माहौल चल रहा है उसको लेके भोपाल में अलग अलग जोन बांट दिए गए हैं और जिस तरीके से पुलिस अलग अलग जोनों पे मुस्तैद है और पब्लिक के आते जाते जिस तरीके से चेक इन व्यवस्था का कार्य यहाँ पर चल ऐसे इसी के बारे में हम अभी खड़े हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक वाहन को रोक कर पूरी तरीके से चेक किया जाता है। जानते हैं पुलिस यहाँ खड़े पुलिस के जवानों से जो कि अभी इस तरीके की चेकिंग व्यवस्था में लगे हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद सलीम खान, सब इंस्पेक्टर। तो किस तरीके का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पे? अभियान में ये है कि बाइक पर एक लोग जाएंगे और कार में दो लोग जाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जाएंगे, बिला वजह फालतू लोग नहीं जाएंगे। जो लोग बीमार हैं, जिनके पास पास है या बैंक कर्मी हैं या हॉस्पिटल वाले डॉक्टर नर्सेज हैं, उन लोगों को जाने की पात्रता है, पत्रकार हैं उन लोगों को जाने के लिए इजाज़त है। बाकी जो फालतू घूम रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं। अभी तक ऐसे कितने लोगों पर आपने 188 की कार्रवाई की है? 178 179 की तीन कार्रवाई की है। हाँ, 179 आदेश की अवहेलना पर घूमते पाए जाने पर तीन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। जैसा कि आज से भोपाल को चार अलग जोन में बांट दिया गया है तो उस दिशा में किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? जिस जगह जो पुराने भोपाल में बांटा तो पुराने भोपाल वाले लोगों को पुराने भोपाल में रहने दिया जाएगा, उनकी जो सब्जी है दवाइयां हैं उन लोगों को उसी मोहल्ले से उसी जगह से खरीदना होगा। ये नहीं कि पुराने भोपाल वाला नए भोपाल में जाएगा या नए भोपाल वाला पुराने भोपाल में, ऐसे जाने के लिए पाबंदी है। अगर आप नए भोपाल में टीट नगर में रहते हैं या उसमें रहते हैं MP नगर में तो आपको दवाइयाँ गोली दवाई सब वहीं से खरीदना है। जैसा कि जान सकते हैं कि जो जोन बांटे गए हैं तो जिस जोन का व्यक्ति है सिर्फ उसको उसी जोन में रहने की अनुमति है, किसी दूसरे जोन में आने प्रवेश करने पर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है और पुलिस भी अपनी यही कोशिश कर रही है कि नॉर्थ जोन का अदर जोन में कोई व्यक्ति ना जाए, इसीलिए यहाँ पर मुस्तैदी से चेकिंग व्यवस्था की जा रही है। मैं रिपोर्टर आदिल खान KKR न्यूज़ से साथ ही आजम लाला के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज़ के साथ।